हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो अब गेट एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। अब कोशिश ये करना है जितना भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट दिए हो अब तक, अब स्टॉप कर दो, टेस्ट देना एकदम स्टॉप कर दो। अब कोशिश यही करना है कि जितना भी गलती किए हो टेस्ट में, जितना भी गलती हुआ है, सारे मिस्टेक्स को एटलीस्ट वन टाइम तो रिवाइज करो ही, एटलीस्ट वन टाइम रिवाइज कर लो ताकि सेम मिस्टेक फिर से गेट एग्जाम में नहीं हो। ठीक है, गेट एग्जाम में नहीं करना। इस बार हुआ था, टेस्ट में हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो प्रैक्टिस था ना। प्रैक्टिस मतलब क्या होता है कि कुछ गलती होगा, कुछ सही होगा, चलेगा। ठीक है, वो तो एक प्रैक्टिस, एक प्रोसेस है, रिपीटेशन है। ठीक है, लेकिन गेट एग्जाम का रिपीटेशन फिर अगले साल आना है, याद रखना है चीज। गेट एग्जाम का अगर जो 22 में दे रहे हो, 22 में दे रहे हो अभी, अगर इस बार मिस्टेक कर जाओगे वहां पर अगर सेम मिस्टेक अगर फिर से हुआ, अगर वही मिस्टेक जो टेस्ट में हो रहा था, अगर वो मिस्टेक रिपीट हुआ गेट एग्जाम में, फिर 23 एक साल बीच में है जान लो। इसलिए जितना भी गलती किए हो कम से कम एक बार रिवाइज करो, नहीं तो अगर पॉसिबल है दो बार रिवाइज कर लो। और दो बार इसे रिवाइज करना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि तो टेस्ट तुम ही दिए हो ना, तुम्हारा ही मार्क किया हुआ है, उसके एनालिसिस किए ही थे। ठीक है, तो कोशिश यही करो कि एक से दो बार उसका रिवीजन हो जाए। और ये भी साथ में रखना है क्या कि थोड़ा टाइम क्या किया कि शाम का टाइम अगर है, शाम के टाइम में थोड़ा घूम लिए, और जो मॉर्निंग टाइम है जो एग्जाम का शेड्यूल है कि 9 से 12 अगर पेपर है तो 9 to 12 जो मॉर्निंग टाइम का है, या फिर जो भी पेपर का टाइमिंग है 10 to 1 अगर है, तो जो भी टाइमिंग पेपर का रहे उस टाइमिंग में क्या करना है, या फिर सेकेंड शिफ्ट में बहुत बहुत सारे और भी ब्रांच है जिनका कि सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम है। ठीक है, वो लोग कोशिश यही करें क्या कि दिन में जो एग्जाम का टाइमिंग है उस समय पढ़ाई होना चाहिए। क्या पढ़ाई भाई, कुछ क्वेश्चंस कहीं से दो चार बना लिए, ऐसा कोई टॉपिक लग रहा है कि कोई डाउट है। ठीक है, या फिर वो ऐसा टॉपिक जो मार्क तुम करके रखे हो क्या कि टेस्ट देने के ड्यूरेशन में, कि ऐसा ऐसा टॉपिक जहां से टेस्ट में गलती ज्यादा हो रहा था, वो सब टॉपिक में दो चार क्वेश्चन भी बना लिए उस टाइम में। फिर क्या है, एक रिवीजन करते रहना है, पेज को बस पलटते देख रहे हैं, इधर उधर करते रह रहे हैं। ठीक है, उससे सिलेबस से टच में थोड़ा सा रहना है, और एक जो काम करना है जो गलती किए हो उसको रिवाइज करते रहना है। दिन में सोना बंद कर देना, ऐसा नहीं कि दिन में अब एग्जाम टाइमिंग है, ठीक है एग्जाम जब होगा होगा अभी सो लेते हैं, उस टाइम में सोना बंद कर दो, उस टाइम में सोना नहीं है, पहला ये चीज। और कोशिश यही करो कि रात में तो टाइम से सो जाना है कि 9 बजे सो गए, सुबह 6 बजे उठ गए, क्योंकि अभी देखो जब एग्जाम देने जाना होगा मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, 6 बजे उठना पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जो 5 बजे भी उठना पड़े, ठीक है, क्योंकि सेंटर दूर है, सेंटर बहुत दूर है। ठीक है, या फिर कुछ लोग का ऐसा हो कहीं किसी और प्लेस पर सेंटर होगा, कोई और सिटी में सेंटर होगा, वो लोग को ट्रेवल भी करना होगा, 2 दिन पहले से ट्रेवल भी करना होगा। ठीक है, इसलिए कोशिश यही करना है कि रात का जो टाइम है प्रॉपरली सो, आराम से मॉर्निंग उठे, मॉर्निंग टू फिर से रात 9 बजे तक दिन में एकदम नहीं सोना है, दिन में एकदम नहीं सोना है, बस गेट एग्जाम तक। जब गेट एग्जाम हो जाएगा उसके बाद एग्जाम देकर आना, शाम को पार्टी करना, रात भर सोना, कल दिन भर सोना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन पूछ रहा है फिर एग्जाम के बाद, एग्जाम के बाद कोई नहीं पूछने वाला है, एग्जाम तक ही है सारा रूल्स। ठीक है, एग्जाम के बाद आराम करना है, फिर कुछ दिन बाद क्या होगा कि रिजल्ट आएगा तो बहुत सारा फॉर्म आएगा कॉलेज का, या फिर रिजल्ट के पहले भी कुछ कुछ फॉर्म आ रहा होगा, वो सब देखते रहना बाद में। ठीक है, अभी टारगेट करना है कि एग्जाम का दिन अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया जाए। अब नया कुछ चीज नहीं पढ़ सकते हो, सिंपल जानो जो नॉलेज अब तक हुआ है, जितना मेहनत की हो उसके बेसिस पर ही परफॉर्मेंस दे सकते हो वहां पर। ठीक है, अगर सही तरीके से तुम अपने नॉलेज को इम्प्लीमेंट कर लिए वहां पर तो मार्क्स बहुत अच्छा आ जाएगा, अगर नहीं कर सकते हो मार्क्स खराब आएगा। और इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा बेटर तरीके से तभी हो सकता है जब एकदम कूल माइंड रहा जाए, ऐसा नहीं कि अब डेली एग्जाम के टाइम में सो रहे हैं, एग्जाम में गए तो थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है, क्या एग्जाम में खराब एग्जाम जाएगा वैसे में। ठीक है, इस तरह काम नहीं करना, एकदम कूल माइंड से थोड़ा शाम में इवनिंग में थोड़ा सा घूम भी लिए, पार्क वार्क है वहां थोड़ा सा घूम लिए आराम से, थोड़ा वॉकिंग भी हो गया, या फिर मॉर्निंग में भी वॉकिंग करना जा सकते हो, भी बहुत अच्छा चीज है। मॉर्निंग उठे थोड़ा वॉकिंग करने चले गए पार्क में, ठीक है आराम से घूम कर आए, थोड़ा पढ़ाई कर रहे हैं दिन भर, अपना प्रॉपर डाइट, जैसे बाहर का खाना भी नहीं खाओ अभी, ऐसा नहीं कि बाहर का खा रहे हैं, कभी कुछ खा लिए कभी कुछ खा लिए, पेट खराब है तबीयत खराब है तो फिर गेट एग्जाम इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो एग्जाम पर ऐसा कोई काम अभी नहीं करो जो डायरेक्टली एग्जाम को
इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, एग्जाम को खराब कर सकता है, थोड़ा भी एक चांस है उसको स्टॉप कर दो। एग्जाम को खराब होने का थोड़ा भी चांस अगर है उसको इमिडिएटली स्टॉप करो, ठीक है, सही है, एग्जाम दो अच्छे से, ठीक है, रिवीजन करना, और जो मिस्टेक्स है उसका रिवीजन एकदम याद करके करना, वो छोड़ना नहीं है, ठीक है, और बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दो, एग्जाम के बाद मिलते हैं।